अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हेरा व्लॉग। आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। सिंपल से मेथड से 4-5 टमाटरों को मैंने काट करके उनको ग्राइंड कर लिया था। ये एक छोटे साइज़ का प्याज काटा, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया। स्पाइसेस में मैंने लिए है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गर्म मसाला, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, एक हमने 1/2 चिकन क्यूब ले लिया, पिसा धनिया ले लिया, बिरयानी मसाला ले लिया और बादियान का 1 फूल ले लिया। उसके बाद देखिए मैं 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। चावल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए थे इसलिए 1 कप ऑयल ऐड किया था, और जो प्याज कट किया है वो सारा उस ऑयल में ऐड कर देना। इस प्याज को मैं ब्राउन करूंगी ताकि इसमें मैं चिकन डालूं तो चिकन की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, और ये ज़्यादा ब्लैक नहीं करना बल्कि ब्राउन करना है। जब आप ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर देते हैं तो फिर आपका मसाला ब्लैक ब्लैक रेडी होता है, तो आपने हमेशा इसको गोल्डन करना है कि ज़्यादा ब्लैक ना हो मसाला आपका, एक अच्छे कलर का, रेड कलर का, ब्राउन कलर का मसाला रेडी हो। तो हर एक का अपना मेथड होता है बनाने का, हर कोई अपने मेथड से कुकिंग करता है, कुछ सिंपल तरीके से करते हैं, कुछ ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं, कुछ फीका खाते हैं, तो उस हिसाब से जो है हमें बनाना पड़ता है। तो ये मैंने इसमें चिकन ऐड किया, ये आज बिल्कुल सिंपल सी बिरयानी है, इसमें कुछ भी इतना स्पेशल नहीं है कि उसको स्पेशली बयान किया जाए। इसमें हमने सिंपल सिंपल सारा कुछ ऐड किया है, बिरयानी मसाला ऐड किया है और हमने इसका मसाला रेडी किया है। हम इसकी 1 लेयर ही लगाएंगे, 3 लेयर इसमें मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि क्वांटिटी जो थी चावलों की वो कम थी। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाते हैं तो फिर हमें उस हिसाब से मसाला भी रेडी करना पड़ता है और फिर सारी चीज़ उस हिसाब से उसमें ऐड करनी पड़ती है। तो ये मैंने इसमें चिकन ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चिकन को ब्राउन किया, उसमें टमाटर ऐड किए और ये थोड़ा सा मसाले में हम येलो फूड कलर ऐड कर देंगे ताकि हमारे चिकन में और मसाले में वो फूड कलर सारा मिक्स हो जाए, इससे बहुत अच्छा कलर आता है हमारे मसाले में। आप चावलों पर भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, बल्कि करते ही हैं हम लोग, जब तह लगाते हैं तो फूड कलर ऐड कर देते हैं। तो ये इसकी एक चीज़ एक थी कि ये मैंने मसाले में फूड कलर ऐड किया ताकि उसका कलर सारे मसाले में स्प्रेड हो जाए, और इससे हमारे चावलों में बहुत अच्छा कलर आता है। ये जितने स्पाइसेस हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। इसको मिक्स कर लेंगे और चिकन आपने चेक कर लेना है कि ये गल चुका है कि नहीं, क्योंकि बिरयानी में गला हुआ चिकन ही टेस्टी लगता है। आपने सख्त सख्त चिकन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, फिर आपकी बिरयानी में बिल्कुल भी वो जायका नहीं आएगा। तो आपने हाथ से चिकन को लाजमी चेक कर लेना कि इसकी बोटी गल चुकी है या नहीं, और अगर नहीं गली तो आप उसमें मज़ीद पानी ऐड करके उस मसाले को रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि चिकन अभी थोड़ा सख्त है, तो मैंने पानी ऐड कर लिया और 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि जितना भी चिकन में है वो मसाला अपनी जगह पे आ जाए और चिकन सारा गल जाए। चावलों को वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई डस्ट वगैरह ना रहे। चावलों को आपने देख लेना है कि अगर चावल भिगोने वाले हैं तो आपने आधा घंटा पहले या घंटा पहले चावलों को भिगो देना है, जिससे बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा आता है और चावल भी अच्छे बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। वो आपने चावल की क्वालिटी देख लेनी है कि किस क्वालिटी के हैं, तो हमने पहले भिगो देना है उनको। उसके बाद अगर आप पुलाव बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं तो आपने उस हिसाब से रेडी करने हैं। तो ये मसाला तैयार हो चुका है, इसको मैं कवर करके साइड पर रख दूँगी। उसके बाद ये चावलों को बॉईल करना है,
देख जा लेंगे, उसमें नमक ऐड करेंगे और चावल हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे, और इतने बॉईल करने हैं कि ना वो सख्त है और ना ज़्यादा नरम हो, ताकि अलग अलग चावल से हमारी बिरयानी बने। ये पूरे जो मसाला है उस पे हमने ये सारी चावलों की लेयर लगा देनी है जो हमने मसाला तैयार किया है, और इसको हम दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसको ऊपर से कवर कर देंगे, और 10 से 15 मिनट के बाद आपने देख लेने कि हमारे चावलों को अच्छे तरीके से दम लग चुके हैं कि नहीं, फिर आपने इनको सर्व करना है। गार्निशिंग आप लेमन से, कोरिएंडर से, मिंट लीफ से कर सकते हैं, और अपने मेहमानों को आप ये सर्व करें, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। और अगर आपको भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा कि आपको कैसा लगा, और दो में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।